शुरू से एक टैगलाइन चलती है जो कोई मोबाइल कहीं ना बने लेकर मिले, ये कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं अपने पूरी पंपलेट। तो यहाँ पे अभी केक कट रहा है, जो भी यहाँ पे सीखते हैं फिर जाते हैं तो यहाँ केक काट के सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे केक खाते हुए अभी यहाँ पे देख सकते हैं राधिका मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर है, इनका पूरा व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है बैठ के अपना बनाने की जो प्रक्रिया होती है यहीं से होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है, आपकी ए टू जेड जो भी चीज़ें चाहिए मोबाइल बनाने के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शैलेश गोरखपुर वाला। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं गोरखपुर में राधिका मोबाइल सेंटर पे, जहाँ पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग किया जाता है और ट्रेनिंग दिया जाता है। और यहाँ पे आप आ करके अपना मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो होने वाली है, यहाँ का एड्रेस विजय चौक खोवा मंडी सन प्लाजा के ठीक सामने ये आपका राधिका मोबाइल एंड सर्विस सेंटर पड़ने वाला है, जहाँ पे आपको सभी प्रकार के मोबाइल से रिलेटेड जो भी बनाने की चीज़ें होती है सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, कोर्स कराई जाती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कोर्सेस हैं जो आप यहाँ पे सीख करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और बहुत बढ़िया आप एक इनकम का सोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे यदि आप सीखते हैं कुछ भी कोई भी कोर्स करते हैं तो यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था यहाँ की जो कंपनी है वो सारी प्रोवाइड करती है। चलिए अंदर आते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या किया जाता है, बात करके सारी चीज़ें जानते हैं और आपके पूरी बातें बताने की कोशिश किया जाएगा। दिल करके चलिए अंदर और दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और सारी जानकारी पूछते हैं यहाँ के जो ओनर हैं उनसे। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये अपना कोर्स कर रहे हैं, अपना सीख रहे हैं यहाँ पे आकर के। और चलिए यहाँ पे जो यहाँ का ओनर है उनसे बात करते हैं, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ के ऑनर के पास आ गए हैं और यहाँ पूछते हैं, सारी जानकारी लेते हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, यहाँ जो हमारे व्यूअर हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल्स में बताइए। देखिए मेरा नाम दीपक किरण है। हाँ, गोरखपुर में हमारा 17 सालों से मोबाइल का सर्विस सेंटर चल रहा है और इधर फरवरी से अपना हमने ट्रेनिंग सेंटर खोला, क्योंकि जो बच्चे काफ़ी परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, ठीक है। और अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए, कहाँ पे ये आपकी कहाँ कहाँ पे गोरखपुर में आपका ये सर्विस सेंटर है, जहाँ से मान लीजिए नियर बाई कोई अगर करना चाहता है तो उनके नियर बाई कौन सा आपका सर्विस सेंटर पड़ सकता है और वहाँ पे जाकर के कोई आसानी से सीख सकता है। देखिए हमारे तीन फर्में चलती हैं, ये हमारा पहला फर्म है जो गोलघर में अपना विजय चौक पर कोमंडी गली में सन प्लाजा होटल के ठीक सामने बेसमेंट में एकदम अंदर पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ब्लैकबेरी का सर्विस सेंटर चलता है, यहाँ पर सारे सेटअप हमारे लगे हुए हैं। सेकंड शॉप हमारी आजाद चौक पर है और थर्ड शॉप अभी इधर 14 तारीख को हमने पिछले 14 तारीख को ओपनिंग की है जो LIC तारामंडल पर है, तारामंडल वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, यहाँ मतलब तीनों जगह पर ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये बताइए कि यहाँ आपके यहाँ कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, कौन कौन से सर्विस आपके यहाँ से दिए जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ दो तरह के कोर्सेज अभी तत्काल में चल रहे हैं जो रनिंग है, इसके अलावा और भी कोर्सेज हैं लेकिन ये दोनों टॉप पर चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ किसी बच्चे कोई हाई स्कूल इंटर है या बेसिक कुछ भी पढ़े लिखे हैं तो उनको बेसिक की जानकारी दी जाती है 15 दिन के लिए। उसके बाद जब वो 15 दिन कोर्स कर लेते बेसिक कम्प्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर सेकेंड पर आते हैं डीप लेवल की एडवांस लेवल के लिए आते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादातर दुकानदार आते हैं ट्रेनिंग करने, हमारे पास ज़्यादातर दुकानदार आते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए, क्योंकि हमारा मोबाइल का सर्विस सेंटर भी है तो ज़्यादातर हमसे दुकानदार ही अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए आते हैं जो उनसे रिपेयर नहीं हो पाती है। अच्छा अच्छा, ये बताइए जो आपका सर्विस सेंटर है यहाँ पे गोरखपुर, तो बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं जो कोर्सेज कराते हैं और सिखाते हैं, लेकिन आपके सर्विस सेंटर में क्या खास चीज़ है, क्या खासियत है कि लोग आपके यहाँ आकर के सीखना चाहेंगे या फिर करना चाहेंगे? देखिए है क्या कि जो अदर्स कोचिंगें चल रही हैं गोरखपुर में वो केवल एक लेवल में, वो लेवल केवल चल रहा है कि 2 साल 4 साल 5 साल जो सारी चीज़ें चल रही हैं वही वो पढ़ाते हैं, वहीं पे बच्चों को ड्रिंक दे करके वो आउट कर देते हैं। अपने वहाँ क्या है कि अपने वहाँ सर्विस सेंटर जो चलती है उसमें क्या होता है कि जो तुरंत तत्काल में जो हैंडसेट आए हैं बनने के लिए वही हैंडसेट उनको रिपेयर करके दी जाती है कस्टमर को, और वही हैंडसेट तत्काल अपने स्टूडेंट्स को बच्चों को हम दिखा देते हैं कि देखिए ये ऐसे रिपेयर हुआ है, इसका ये स्टेप है और ये आपके पास भी ऐसे आएगा। ये तो कहने वाला कि ये तुरंत तत्काल की चीज़ है, ये कोचिंगों में नहीं होता है।
ये हमारे सर्विस सेंटर में ये खासियत है। एक चीज़ और मैं आपको बता दी जो मेरी खासियत है, हमारे वहाँ सर्विस सेंटर में शुरू से एक टैगलाइन चलती है जो कोई मोबाइल कहीं ना बने लेकर मिले। ये कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं, अपने पूरी पंपलेट छपी हुई पूरे शहर में बटवाए हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ गोरखपुर में कहीं भी कोई आपके मोबाइल नहीं बन रही जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल लेकर के मिल सकते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार कभी छेड़ देते हैं। हाँ। कभी सर्विस सेंटर वाले हाई लेवल के चार्जेस बता देते तो कस्टमर नहीं उसको करवा पाते हैं, काफ़ी चार्जेस उनको हाई लगते हैं। वो सब सेट जैसे मान ली कोई 10,000 का सेट है तो 8,000 की लगभग की मदरबोर्ड उसमें आती है। अपने पास वही सेट आते तो 1,000-1,500-2,000 रुपये के आसपास में वो सेट रिपेयर होकर इजी वे में चली जाती है। उन्हीं सब सेटों को हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। ठीक है, मेरा मानना ये कि किसी को भी आप बुटअप करिए कि वो अपने आप में एक होनहार बंदा बने। ठीक है, अपने वह जो कोर्सेज जो चलते हैं उसकी बहुत ज़्यादा फीस हमने इसीलिए नहीं रखी है कि कोई भी गरीब घर का भी बच्चा हो वो भी थोड़े बहुत पैसे इंतजाम करके वो हमारे पास आ सके, सीख सके। सही बात है। बहुत हाई लेवल और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने का मतलब कि हर बंदा नॉलेज नहीं ले पाएगा। सही बात है आपका। बहुत सारे ऐसे देखा जाए तो 70% जो होते हैं 70% से ऊपर जो गरीब लोअर की, देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हैं जो इस समय बेरोजगारी है उसे जूझ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं मिला उनको, क्या करें क्या करना चाहिए। तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि इतना सस्ता में अपना जो सिखा रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम। का मतलब ये है कि देखिए जितने बेरोजगार अभी जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति चल रही है सभी हाँ। लोग देख ही रहे हैं हाँ। और मेरा मानना ये है कि कोई भी बच्चा अगर छोटा मोटा भी हमारे पास कोई कोर्स अगर कर लेता है तो कम से कम वो 20,000 रुपये महीने से लेकर के और लाखों रुपये महीने तक एडवांस लेवल तक वो महीने का कमा सकता है। दूसरी चीज़ जो अदर्स कोचिंगों में हमारे आसपास जो कोचिंग है छोटी बड़ी सब चल रही हैं उसमें 14,000-15,000-18,000 कई फीसेस चल रही हैं जिसमें से हमने अपने 14,000 रुपये से भी आधे से भी कम की व्यवस्था हमने अपने वहाँ रखी हुई है ताकि कोई भी बच्चा आकर के अपने वहाँ ट्रेनिंग ले सके। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए ये तो हो गया जो आप सर्विस दे रहे हैं, अगर डायरेक्टली मान लीजिए कोई आपके यहाँ आकर के अपनी मोबाइल जो है बनवाना चाहता है तो इसकी क्या सुविधा आपके? देखिए हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास 17 सालों से मोबाइल का सर्विस सेंटर ही चल रहा है। हाँ। मेरे पास दुनिया भर की ब्रांडेड कंपनियाँ ऑथराइज चलती हैं, मैं खुद उसका ऑनर भी हूँ। इसके अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा मोबाइल जो कहीं नहीं बनती वो आप मोबाइल लेकर के हमसे मिल सकते हैं, हम उसको रिपेयर करके देते हैं। यहाँ तक कि अगर उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है तो कुछ समय लगता है, उसको फॉरेन से भी अवेलेबल करा के हम उसे लगा करके देते हैं। अच्छा, मतलब मोबाइल में कोई भी समस्या हो तो यहाँ भी आप लेकर के आइए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से रिपेयर करके आप दे सकते हैं। थोड़ा सा समय लिया जाता है क्योंकि फॉरेन से आने में टाइम भी लगता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई भी बच्चा आ रहा है या फिर सीखना चाहता है आपके यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस? देखिए कि जैसे लोकल के बंदे तो उनको तो हम डायरेक्ट अपने ऑफिस से ही बुला लेते हैं, अपने ट्रेनिंग सेंटर बुला लेते हैं, वो आकर अपने मैन से रिसेप्शन में मिल सकते हैं, सारी चीज़ें वो जान सकते हैं क्योंकि टेलीफोनिक बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पाती हैं। सही बात। और दूसरी चीज़ ये जो हमारे 100% प्रैक्टिकल पर ही ध्यान दिया जाता है, अपने बहुत ज़्यादा लिखाने का काम नहीं होता है, छोटी छोटी की चीज़ केवल पॉइंट होता है। जैसे मैंने एक बात नोटिस किया कि आप बता रहे हैं जो ट्रेंड के हिसाब से अभी चल रहा है और सारे कोचिंग सेंटर पे जैसे देखा जाता है कि जो चीज़ें अपडेटेड हैं, सीखे हुए हैं, पहले सीखे हुए वो सारी चीज़ें बताते हैं, अपने आप को अपडेट करने का कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आपने बताया कि जो चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही है वो सारी चीज़ें आप सिखाते हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉर्ट आउट करते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए अपने वहाँ रजिस्ट्रेशन का जो मैंने आपने पूछा था, मैं आपको बताऊँ कोई भी बंदा अगर हमें कॉल करते हैं हमारे रिसेप्शन में कॉल रिसीव करती है, कोई कन्फ्यूजन है हमसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हाँ। और आने के लिए जैसे बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनको सीट बुक कराने के लिए दिक्कत होती है, हमारे वहाँ देखिए बहुत ज़्यादा सीटेड नहीं है, लिमिटेड सीट हमने रखी हुई है, हमारे वहाँ भीड़ लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, हमने चुनिंदा लोगों को ही हम अपने वहाँ एडमिशन भी देते हैं। हाँ, आने के लिए आप कॉल से कंफर्म कर सकते हैं, 500 रुपये की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस कराने के बाद फोन पे वगैरह से आप करा सकते हैं। हाँ। उसके बाद आप आ करके एक दिन दो दिन आप डेमो जब आपकी छो आकर कर सकते हैं, जब आपको एक दिन दो दिन में डेमो आपको समझ में आ जाती है उसके नेक्स्ट डे आप पेमेंट करके आप कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर, मान लीजिए कोई 500 देकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, डेमो करता है, मान लीजिए डेमो करने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा, नहीं करना चाहता है, तो जो रजिस्ट्रेशन हुआ होता है अपना मतलब वापस मिलता है या फिर आपको वो रजिस्ट्रेशन होता है? ठीक है, रजिस्ट्रेशन वो फीस कम कराने के लिए होती है। अच्छा, मतलब एक्चुअल फीस उसकी ज़्यादा है, फीस लेकिन वो एक हाँ फीस का ही वो एक पार्ट है। हाँ। वो थोड़ा सा डिस्काउंट कराने के लिए, बच्चों को सुविधा देने के लिए, चूंकि स्कीम देखिए रोज नहीं चलती है। अच्छा। ठीक है, ये उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होता है और सीट बुक करने के लिए होती है। अच्छा। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सीटें नहीं होती हैं। हाँ, ये कि सीट अगर हमारे फुल हो गई है तो अगर कोई बच्चा अगर आना चाहता है तो उसके लिए हम उस बंदे को नेक्स्ट बैच में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि अपने वहाँ थोड़े से बैकएंड में भी लाइन लगी रहती है बच्चों को आने जाने की, क्योंकि बाहर से मेरे पास ज़्यादा बंदे हैं। अच्छा, ये बच्चे बोल रहे हैं बाहर से ज़्यादा बंदे होते हैं और बाहर से आते हैं तो उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है
कि उनको रहने खाने की व्यवस्था जो होती है बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उन लोगों को। जी जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या सुविधा है? देखिए अपने वहाँ हॉस्टल की सुविधा है, उसमें रहने खाने की भी सुविधा है, उसमें कम खर्चे में भी है और प्लस खर्चे में भी है, जो जैसे बच्चे की व्यवस्था है उसमें रह सकते हैं। मतलब जिस क्लास जिस मतलब कैटेगरी के बच्चे हैं, जिस मतलब फैमिली से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उस प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं या फिर सीख रहे हैं, यहाँ पे बहुत जगह दूर दूर के लोग आए हुए हैं सीख रहे हैं, तो चलिए एक एक करके सभी से एक फीडबैक लेते हैं कि क्या सीख रहे हैं, अभी तक क्या सीख चुके हैं और क्या क्या यहाँ पे कर रहे हैं, सारी जानकारी देते हैं यहाँ पे जो सीख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं सीख रहे हैं, उनसे बारी बारी करके इनका फीडबैक लेते हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं या फिर बेसिक कर रहे हैं, सारी जानकारी लेते हैं। बोले नमस्ते भैया, यहाँ पे सीख रहे हैं भैया, आप कहाँ से हैं? जी भैया, हम कुशीनगर खड्डा से हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? विशाल कुशवाहा। विशाल कुशवाहा। अच्छा, आप क्या सीख रहे हैं अभी इस समय? अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। अच्छा, बेसिक में अभी आप क्या बना रहे हैं? जी हम डेट रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, MI का फोन है Y2, इसका डेट रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, कितना दिन हो गया आपके यहाँ? मेरा 15 दिन हो गया। 15 दिन हो गया जी। ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, आपका कैसा? बहुत बढ़िया रहा। फीडबैक देना चाहें तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 10 में से 10 है। तो चलिए अगले भैया यहाँ पे सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो इनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम गोविंद कुमार है। गोविंद कुमार जी, भैया आप कहाँ से आते हैं? गोला बाजार। गोला बाजार से आते हैं। अभी आप यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं। बेसिक कोर्स कर रहे हैं। अभी आप क्या बना रहे हैं इस समय? अभी हम ट्रेसिंग कर रहे हैं। क्या है? ट्रेसिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप जो यहाँ पे सीख रहे हैं जी, तो इसके बारे में अगर फीडबैक लिया जाए आपसे, आपका कितना दिन हो गया यहाँ पे काम करते हुए? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। 1 महीना में आपने क्या सीखा? अगर आपको बोला जाए को 10 में से पॉइंट देने के लिए, तो आप क्या रेटिंग देंगे यहाँ पे? 10 में से 10 देंगे। चलिए अगले भैया यहाँ पे काम कर रहे हैं, पूछते हैं क्या यहाँ पे कर रहे हैं, कितना दिन हो गया इनको करते हुए। ये आपका क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बहरेज से। हाँ, तो अभी ये बताइए अभी आप क्या बना रहे हैं? ये PCB में कैमरा का सेक्शन चेक कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपने आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे अभी काम करते हुए? यहाँ पे 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता में क्या क्या मतलब बनाना सीखे हैं? चार्जिंग। हाँ, चेंज करना। हाँ, डिस्प्ले। हाँ, होल्डर, माइक। अच्छा, अभी मतलब 1 हफ्ते में आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। चलिए अगर यहाँ पे आपको रेटिंग देना हो तो आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 10 में से 8। चलिए अगले भैया यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। भैया आप कहाँ से आते हैं? मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से आते हैं। अभी आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मैं EMMC रिवॉल्विंग कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पे कोर्स कर चुके हैं या फिर अभी आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मैं कर चुका हूँ, मेरा ऑलरेडी दुकान है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है। अच्छा, जैसे तो, एडवांस चीजें आप कुछ यहाँ पे आकर के सीख रहे हैं, पहले आप सीखे हैं। हाँ, हाँ, लेकिन अभी आप फिर से आप यहाँ के आप सीख रहे हैं, तो ये इसका कोई फीस लगता है या फिर कोई चार्ज लगता है? फीस तो लगता है, एडवांस लेवल का जो ट्रेनिंग है उसमें 15। अच्छा, पहले आपने बेसिक किया हुआ था? नहीं, बेसिक किया नहीं था, लेकिन समय के अनुसार जो भी होता है प्रोग्रामिंग वगैरह IC वगैरह कुछ चेंजिंग होता रहता है। ट्रेंड की चीजें जो लेटेस्ट आई है वो सारी चीजें? हाँ, वो सारी इस समय की जो लेटेस्ट चीजें हैं वही सीख रहा हूं। अच्छा अच्छा, ये अगर आपको यहाँ के बारे में अगर रेटिंग दिया जाए तो आप कितना 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 8.6। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगले भैया यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। तो भैया आप यहाँ के क्या कर रहे हैं भैया? अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? अच्छा, तो आप यहाँ पे अभी कोर्स कर रहे हैं या फिर अभी आप दुकानदार हैं या फिर अभी आप यहाँ पे कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं जैसे दुकानदार? तो दुकानदार हैं। हाँ, 5 साल पहले से दुकान है हमारा। अच्छा, 5 साल पहले से आपकी दुकान है? IC लेवल काम नहीं पता था, वही सीख रहे हैं। अच्छा अच्छा, जो चीज़ें मतलब आपको आ नहीं रही थी वो आप यहाँ पे सीख रहे हैं। चलिए अगर यहाँ का रेटिंग देना हो आपको तो 10 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 8.6 से हम भी देंगे। चलिए ठीक है,